घर में अगर आपको बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है तो हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है कि किस तरीके से डेकोरेशन करें। नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजली तरीके से आप अपने घर में एक बहुत अच्छा डेकोरेशन कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए या अपने घर के किसी भी रिलेटिव के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे वही सारी बातें शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ मैं कि किस तरीके से कम बजट में आप एक बर्थडे डेकोरेशन अपने घर में आराम से कर सकते हैं। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए आपको एक खुली जगह चाहिए होती है, तो मैंने लिविंग एरिया चुना है और वहाँ पे जहाँ पे मेरा सोफा रखा हुआ था उस सोफे को हटा के मैंने ये जगह खाली करके वहाँ पे एक मेरे पास टेबल था, स्टडी टेबल रखा हुआ था घर में, तो उसे मैंने लगा दिया है। स्टडी टेबल मैंने एक्चुअली केक के लिए लगाया है क्योंकि केक का भी डेकोरेशन करना है मुझे, तो उसके लिए मैंने यहाँ टेबल रखा है। और पीछे के कर्टन सभी मैं यहाँ ठीक करूँगी, तो वहाँ पे ही मैं सारा डेकोरेशन का सामान लगाने वाली हूँ। और थोड़ा डेकोरेशन अगर आपको अच्छा करना है तो थोड़ी खुली जगह ढूंढिए जहाँ पे सारा सामान इजीली फिट हो जाए। और ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था, मेरे हस्बैंड को मैंने बताया था तो उन्होंने भेजा है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत अच्छा डेकोरेशन कर सकते हैं। मेरी बेटी को एक्चुअली मेरी बेटी का बर्थडे था तो उसको यूनिकॉर्न काफ़ी पसंद है, तो उससे रिलेटेड मैंने ये थीम डेकोरेशन सामान मंगवाया था। इसमें जो आप ये कैंडल्स देख रहे हैं ये लास्ट मेरे बच्चे बेटे के बर्थडे की पड़ी हैं, तो मैंने उसको साथ में ही रख दिया था। बाकी ये सारा सामान इसी के अंदर आया है, ये बर्थडे बैनर और कर्टन जो कि पीछे लगता है, और बैलून्स के भी करीबन 3-4 पैक आए थे। और ये इस तरह के बैलून भी आए हैं, आप देख सकते हैं ये जो कवर वाले बैलून होते हैं, और ये इस तरीके के सारा सामान इसके अंदर मिला है। तो इस तरीके से ये जितना भी सामान मैं आपको दिखा रही हूँ इस पैक के अंदर आया है, यूनिकॉर्न से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और डेकोरेशन होने के बाद तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, अभी जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा तो आपको पता चलता जाएगा कि किस तरीके से मैंने डेकोरेट किया है। बर्थडे बैनर के लिए ये स्ट्रिप आती है और ये वहाँ जहाँ हैंग करना है तो उसके लिए ये स्ट्रिप मिलती है साथ में। बट मैंने इसके साथ जो बैनर मिला था बर्थडे बैनर वो मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरी बेटी को एक दूसरा पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है मैं वो मंगवा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड ने वही भेज दिया। और ये डबल साइडेड टेप है जिसकी हेल्प से आप बैलून्स को चिपका सकते हैं। जो नेक्स्ट बैनर की मैं बात कर रही थी वो ये बैनर है, ये यूनिकॉर्न स्टाइल में पेपर का बना हुआ बैनर है। ये मेरी बेटी को ज़्यादा पसंद आ रहा था तो यही मैंने डिसाइड किया कि इसी को मैं लगाऊंगी। इसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है पूरा, और इसके साथ भी बैलून्स आए थे 3-4 कलर के, आप देख सकते हैं। तो आप चाहे अगर आप ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं ये अच्छा लगेगा तो आप भी ये लगा सकते हैं। अब ये जगह मैंने डिसाइड कर ली है तो इस जगह पर मैं डेकोरेशन स्टार्ट करूँगी। और आप देख सकते हैं लिविंग एरिया का ये कौन सा पार्ट है, आपने मेरे पिछले अगर वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये लिविंग एरिया का मेरा सामने वाला जहाँ विंडो साइड वाला पार्ट है उस जगह पे मैं डेकोरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेकोरेशन जो कि मेरी बेटी के बर्थडे का है। और इस सबसे पहले मैं ये कर्टन्स ऐड करूँगी, सबसे पहले कर्टन्स लगाना चाहिए हमें जो कि साथ में ये मेरे को मिले थे जो भी मैंने डेकोरेशन का सामान लिया उसके साथ। ये 3 कर्टन्स आए हैं तो मैंने नाप लिया है कि कहाँ तक आएंगे, तो फिर मैं मेरी बेटी की हेल्प से मैं ये कर्टन्स इसमें लगाती जा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने डबल साइडेड टेप की हेल्प से और दूसरे भी जो सेलो टेप होते हैं उसकी हेल्प से मैंने ये कर्टन्स चिपकाए हैं। थोड़ी दिक्कत जा रही थी मुझे क्योंकि पीछे भी कर्टन था, अगर दीवार होती तो शायद इजी होता, बट डबल साइडेड टेप मेरे पास रखे थे तो उसकी हेल्प से मैंने ये सारे कर्टन अपने जो घर के रूम्स के कर्टन हैं उनके ऊपर ऐड किए हैं। तो कर्टन्स लग गए हैं, अब कर्टन्स लगने के बाद मैंने बैलून फुलाना शुरू किया है। पंप कहीं रखा गया था, मिल नहीं रहा था, थोड़ी देर बाद मिल गया तो फिर मैंने उससे भी बाकी बैलून जो बचे थे वो फुला लिए। और
बैलून तो वैसे भी बर्थडे पार्टी का सबसे अहम पार्ट होता है, बिना बैलून के बर्थडे पार्टी मेरे ख्याल से अधूरी है। तो इस तरीके से मैंने जितना हो सके मेरे से बैलून फुलाए गए, मैंने फुलाए। और फिर नेक्स्ट अब इसको सेट करना है, तो सेट करने के लिए मेरे पास ये बैलून की स्ट्रिप पड़ी हुई थी। ये मेरे बेटे के बर्थडे का जब मैंने डेकोरेशन का सामान लिया था उसमें ये स्ट्रिप मिली थी। इस वाले डेकोरेशन में ये स्ट्रिप नहीं मिली है, तो आप अलग से परचेस कर सकते हैं। ये स्ट्रिप काफ़ी काम की है, इसमें बहुत ईजिली आपके जो भी बैलून आपने जिस तरीके से आप सेट करना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। ये बैलून है, स्ट्रिप है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये होल दिए हुए हैं, लॉक होल हैं। इसको एक तरफ से डाल के और फिर ऊपर कर देंगे तो ये लॉक हो जाएंगे आपके बैलून्स। अभी मैं जैसे भी लगाऊंगी आप पता चल जाएगा। तो एक वाइट और एक पिंक के कॉम्बिनेशन पे मैंने आगे पीछे करके बैलून लगाना शुरू किया है। तो इस तरह से लगाते हैं तो एक बहुत ही अच्छा डेकोरेशन हो जाता है बैलून्स का। अभी जब ये स्ट्रिप में लग के तैयार हो जाएगा तो आप देखेंगे कितना सुंदर लगेगा ये। इस तरीके से आप लगा सकते हैं अपने घर में जब बर्थडे पार्टी होती है, और मेहनत भी नहीं है आपको, अलग से कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह की स्ट्रिप आपके पास बस होनी चाहिए। ये मेरे 2-3 बर्थडे से मुझे काम आ रही है, मैं जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन इसको यूज़ करती हूँ, फिर निकाल के अलग करके रख लेती हूँ इसे। उसको स्ट्रिप में लगाने के बाद मैं अब नाप रही हूँ कि कितना और मुझे बचा है लगाना, लेकिन अभी काफ़ी कुछ बचा है। तो मैंने नापने के बाद फिर से दोबारा स्ट्रिप में और बैलून ऐड किए हैं। ये था वो बैनर जो कि मैं बता रही थी आपको कि ये अलग से मैंने बैनर मंगवाया है। तो ये स्ट्रिप में लगाने के बाद इस तरीके से दिख रहा है हैप्पी बर्थडे का, और कम जगह घेरता है तो इसलिए मैंने सोचा यही लगाती हूँ, मेरी बेटी को भी पसंद था। और बेटी की हेल्प से फिर मैंने सेंटर में जहाँ पे डेकोरेशन किया है वहाँ पे मैंने इसे ऐड किया है। अब जो सेंटर टेबल बीच में रखी थी उसको थोड़ा डेकोरेट करना है, तो उसके लिए मैंने ये सोफ़ा थ्रो जो होता है मेरे पास रखा था। तो कोशिश करिए कि सॉलिड कलर में अगर आपके पास कोई कवर है तो उससे आप इसे कवर करिए तो वो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो इस तरीके से मैंने इसे कवर कर दिया है, और इसके ऊपर मैं अभी सारा डेकोरेशन का सामान रखूँगी, केक डेकोरेशन का। बैलून्स मैंने काफ़ी सारे फुलवाए थे तो उसमें मैंने अलग अलग कलर के भी फुलवाए थे, तो उसे मैंने नीचे भी कुछ छोड़ रखा है। और इसमें अलग से जो और बैनर आए हैं ये प्रिंसेस वाला, इसे भी मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर। और इस तरीके से आसपास इतने सारे बैलून दिखते हैं तो वो डेकोरेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब मैं धीरे धीरे टेबल के ऊपर वो सारी चीज़ें ऐड करूँगी जो कि हमारे केक के आसपास होती हैं, जैसे कुछ रिटर्न गिफ्ट्स के पैकेट, कुछ अपने ये जो कैप्स आती हैं बर्थडे कैप, और फिर केक के केक रखने के लिए मैंने केक स्टैंड रखा है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी हल्की फुल्की कोई प्लेट ट्रे आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और कुछ डेकोरेशन के लिए मैंने एक आर्टिफिशियल बंच भी रखा है फ्लावर का यहाँ पर। तो अब पूरा ही डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है, और आप देख सकते हैं ये है पूरा फाइनल लुक जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इस तरीके से आप भी अपने घर में बहुत ईजली डेकोरेशन कर सकते हैं किसी भी बर्थडे पार्टी के लिए। और डिपेंड आपके बच्चे का, किस बच्चे का बर्थडे है, गर्ल्स के हिसाब से, बॉयज़ के हिसाब से आप अलग अलग तरीके का डेकोरेशन का सामान बहुत ईजली अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। आप वहाँ से परचेस करके और इस तरीके से डेकोरेट अगर करते हैं अपने घर में तो बहुत ही अच्छा एक बर्थडे पार्टी थीम डेकोरेशन हो जाएगा। और मैंने भी इसी तरीके से डेकोरेट किया, और आपने देख भी लिया कि कितना ईजली बहुत कम से कम टाइम में आप ये पूरा डेकोरेशन घर में कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है किसी को बुला के डेकोरेशन करवाने की, आप इस तरीके का सिंपल सा डेकोरेशन अगर घर में करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को भी और आपको खुद को भी अच्छा लगेगा।
तो ये है वो फाइनल लुक, और ये है बर्थडे डेकोरेशन, और ये है वो केक जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाया था। और बहुत सिंपल केक को बहुत ही इजीली तरीके से अच्छा डेकोरेशन करके आप अच्छा बना सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।